हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुलभ मलिक ब्लॉग्स। होप करते हैं आप सब भी बढ़िया होंगे मेरी तरह। भाई जैसे कि आपको पता है, आज है शिवरात्रि। तो पहले तो आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहे, आपको अपना आशीर्वाद देते रहे और मेरे को भी देते रहे। भाई भाई अभी चलते हैं पहले मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो उससे पहले तो मैं आपको बाहर का एवं मौसम दिखा देता हूँ कैसा है। तो यहाँ तो ना बहुत तेज हवा चल रही है और बारिश का मौसम भी बना हुआ। भाई एक बार चल के ना आपको मौसम दिखाते हैं। मौसम विभाग है ना, हर बार आपको मौसम दिखाते रहते हैं। आप भी कहोगे यार हर बार हम मौसम ही दिखाता रहता है, तो वही बार दिखाना तो है, अपडेट तो देते रहना चाहिए ना आपको। देखो भाई कितना तगड़ा मौसम बना हुआ है, कभी भी आ सकती है बारिश भाई, और आएगी बड़ी तगड़ी भाई। रोहतक में तो ऐसा हो रहा है, बारिश आई नहीं ढंग से, थोड़ी सी आती है फिर बंद होती है। और इतनी गर्मी हो भाई, इतनी गर्मी पूछो मत भाई। निकलते हैं और आपको मैं दिखाऊंगा आज हम भोलेनाथ पे क्या क्या चढ़ाने वाले हैं भाई, ठीक है। मम्मी ने स्पेशल तैयार कर रखा भाई, क्योंकि हम लोग बहुत मानते हैं भाई भोलेनाथ। तो निकलते हैं, मम्मी अभी तैयार हो रही है, तो हम निकल रहे हैं भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा। हम भोलेनाथ के ऊपर आज क्या क्या अर्पित करने वाले हैं? पंचामृत, काले तिल, जल, क्योंकि भोलेनाथ तो जल एक जल से ही खुश हो जाते हैं। पंचामृत क्या है, ये किस चीज में बनता है? पंचामृत बनता है दूध, दही, गंगा जल, तुलसी जल, तुलसी, शहद, शक्कर। और अच्छा माना जाता है, मैंने सुना अच्छा माना जाता है इसका प्रसाद पी के। देखो ऐसा लगता है जैसे पूरा भोलेनाथ का आनंद आ गया। चलो पहले तो आपको ही बताइए शिवरात्रि की बहुत बहुत। मेरे को तो है ही सही, वैसे ही व्रत है मेरा भोलेनाथ का, महादेव। देखो हम, मैं तो मानता हूँ मैं व्रत तो रखा नहीं जाता, सही बताऊँ तो। और हम मानते हैं, अब हम निकल रहे हैं घर से, निकलते हैं अब घर से, चलते हैं यार। बहुत देर होगी हमने जल चढ़ाया भी नहीं, अब जाते हैं। भोलेनाथ को जब मर्जी जल चढ़ा लो यार, वो तो कुछ कहते ही नहीं। भाई गाड़ी में आ चुका हूँ, निकलते हैं भाई थोड़ी देर ना। गाड़ी स्टार्ट भी रखनी चाहिए एकदम से, गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए मैंने सुना है। तो थोड़ी देर 5 मिनट गाड़ी है बस स्टार्ट रहे, फिर निकलते हैं। भाई आपको एक बढ़िया चीज़ बताऊँ, सामने ना बारिश हो रही थी, इनको लग रहा है पानी डाल रहा हूँ बार बार शीशे का, और चीज़ें साफ नहीं हो रहा। आपको कैसे लगा ये चीज़ है? वैसे वाइपर चल रहा था, मैंने कहा पानी डाल दे रहे, बारिश हो रही है बाहर, कह रहा है तू बार बार पानी को डाल रहा शीशे पे, साफ नहीं हो रहा, क्या बोले यार। भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गए, कितनी बढ़िया डेकोरेशन हुई, आपको एक बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। भाई ये है पंचामृत जो मम्मी ने स्पेशल बनाया भोलेनाथ के लिए, चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। ब्लैक वाली पॉलिथीन में ना वो है तेल की, एक तेल एक पूरी मुट्ठी भर के भरी हो उसमें डालो। पूरी मुट्ठी भरी थी सारे फ्रूट चढ़ा दे। जल का लोटा भर, भोलेनाथ पे चढ़ा, सारे शिव परिवार पे चढ़ा। गणेश जी पर, गणेश जी पर, माता पार्वती पर,
टिक्के जी पर, नंदी जी पर। नंदी जी का जो खड़ा पैर है ना, जो खड़ा हुआ वो पैर है, उसको छू के अपना कुछ भी कान में मांग लेंगे। आज खड़े हुए पैर को छू के नंदी जी के कान में कुछ भी मांग, दिल से बाहर आ चुके भाई। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे भाई, दिल खुश हो गया। और अभी जैसे आपको पता है शिवरात्रि है, तो गुरुजी का सत्संग भी है मम्मी का, तो मम्मी को वहाँ ड्रॉप कर देंगे, फिर हम निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि आज हमने खेलने भी तो जाना है। फिर आप लोगों को सारी चीज़ों को पता तो है, चलते हैं। आ चुका हूँ अभी मैं घर भाई, फटाफट तैयार हो जाते हैं भाई, खेलने नहीं जाना भाई, तो तैयार होते हैं फिर निकलते हैं खेलने के लिए भाई। वहाँ ना व्लॉग नहीं हो पाता, शोर इतना होता है, और बनमरा खेल रहते हैं उसके भी मैं व्लॉग करूँ यार। तो यार देखो, हर कोई भी नहीं चाहता कि मैं व्लॉग में आऊँ, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा आपको। मैं बता के जा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, फिर जब मैं वापसी आऊँगा ना, मैं आपसे तब मिलता हूँ आके सीधा डायरेक्ट, ठीक है जी? ओके, मिलते हैं फिर आगे वापसी आपसे भाई। अभी आ चुके हैं घर, आ चुका हूँ, मतलब चुके नहीं है, चुका हूँ। तो भाई पूरा गीला हुआ इससे पूरा, क्योंकि भाई ना बारिश आ रही है बूंदाबांदी, और मतलब लगातार चले जा रही है। तो यार खुल के आ जाए यार, या बिल्कुल मत आ, एक ही काम कर ले, बारिश को कह रहा हूँ भाई आपको नहीं। तो भाई पहले कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं। आज एक नई मोमोज लाए भाई, मोमोज खाएंगे वो टाइम बाद। चलो मोमोज खाते हैं, दिखाते हैं वो, दिखाएंगे दिखाएंगे। ये रे भाई अपने मोमोज भाई, इस बंदे से जब भी मोमोज लो ना, सारे टूटे हुए निकलते हैं मोमोज। इसको मैं 10 बार कह चुका हूँ भाई, टूटे हुए मोमोज मत दियो, इसकी पता नहीं गंदी आदत है, टूटे हुए मोमोज दे देता है हर बार, दे देगा। पर क्या दिक्कत है, खाना ही तो हमने, हमारा ना इंडियंस को कमी निकालने की आदत है, वो हम निकालते रहेंगे, निकालेंगे, क्या कर लोगे तुम, निकालेंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, खा ले भाई इसको, आते हैं। है एक नंबर के भाई, मैं खाता हूँ पनीर स्टीम मोमोज, किसी ने लाने हो तो मेरे को दे सकते हो लाने। खा भाई मोमोज अपने डन। आज का व्लॉग ना भाई बहुत छोटा बनेगा, मुझे नहीं पता कितने मिनट का बनेगा, पर रहेगा छोटा। तो भाई इसी के साथ अपने व्लॉग को आज एंड करते हैं, होप करते हैं आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय बाय, जय